करना चाहूँगी मुझे अवसर देने के लिए। और यहाँ मंच पर मैं प्रोफेसर सरोज कुमार का आभार करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं इंग्लिश और बांग्ला में लिखती थी, प्रोफेसर सरोज कुमार ने उनका सुख चलाक है कविता की किताब मुझे दिया, उसके बाद मैंने हिंदी में लिखना चालू किया। और दो कविता सुनाऊंगी, एक कविता अवसर, दूसरी कविता इंदौर के ऊपर। और आपसे अनुमति लेके जल्दी से हमारे संजय अग्रवाल जी भोपाल गए नहीं, यहाँ पूरा दिन है तो उनके ऊपर कविता जल्दी जल्दी करके, जो हमको अवसर मिला उसके ऊपर एक कविता। मैंने पूछा अवसर तुम कहाँ हो, मैंने पूछा अवसर तुम कहाँ हो, क्या तुम इंसानों में बसते हो, क्या तुम पेड़ों की शाखा प्रशाखा या मूल से उगते हो, क्या तुम धूप में हो, शाम की छाव में हो, क्या तुम एक में हो या अनेक में हो, क्या तुम इधर हो या उधर हो, क्या तुम हो या हो ही नहीं। अफसर का जवाब आया, आश्चर्य है तुमने मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, मैं तो तुम में ही हूँ, तुम्हारे सपनों में हूँ, तुम्हारे आशाओं में हूँ, तुम्हारे मुस्कुराहट में भी हूँ, झलकते हुए तुम्हारे आंसुओं में भी हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे करने में हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम हूँ और तब तक हूँ जब तक करते रहोगे। तुम और मैं कोई अलग तो नहीं, एक ही पहचान, फासला केवल करने का, मैं अवसर हूँ तुम्हारा। दूसरी कविता इंदौर के ऊपर सुनाऊंगी क्योंकि इंदौर एक गजब शहर है और यहाँ की शहरी, मैंने 30 साल की मेरा कैरियर के अंदर बहुत सारे शहर में मेरा पदस्थापना हुई, लेकिन इस शहर की और इस शहरी की जैसे सकारात्मक ऊर्जावान शहर मैंने नहीं देखा। तो इस शहर में जो मुझे उदित हुआ उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखा, प्यारे इंदौर। पोहे जलेबी अमीरी गरीब, सरकारी गैर सरकारी, दूसरों को हमेशा सहायता की नीति, दूसरों को हमेशा सहायता करने का नीति। ट्रैफिक सिग्नल में जमघट, अभी मैं फंसी थी अभय बच्चन साहब, लेकिन किसी को नहीं खटपट। छप्पन की स्वादिष्ट दही बड़े, साथ में रगड़ा पटीस, भुट्टे के कीस, ढोकले के पीस, सराफा के जलेबी, दूध और रबड़ी, तवे वाले आइसक्रीम, खोपरा रसगुल्ले, स्ट्रॉबेरी चाय, जोशी जी की भल्ले, इंदौर की पहचान है, इसके बगैर नहीं इंदौर। शहर चमकता हुआ हर दिल सजगता हुआ, शहर चमकता हुआ हमारा हर दिल सजगता हुआ, स्वच्छता से हमारा है गर्व, हम चौका मारने वाले हैं, स्वच्छता से हमारा गर्व, मनाते हैं हम सभी धर्म के पर्व, करते हैं हम नया नया प्रयोग। रविवार शाम को दीदी के साथ, मैं हेमलता दीक्षित दीदी के साथ जाती रहती हूँ, श्री माया में सूप का संजोग, एयरपोर्ट में बढ़ता हुआ आवागमन, कुशलता से ढेर सारे फ्लाइटों का आगमन, भारत का शान, मालवा का ये स्थान, मेरा बड़े अपना, जाना पहचाना, प्यारे इंदौर। संजय के ऊपर एक सुनाना चाहूंगी, ये हमारे संजय अग्रवाल जो है ये भोपाल में रहते हैं, हमारे एजी में सिविल में, और ये शनिवार इतवार को हमेशा गाड़ी में सफर करते परिवार के पास भोपाल जाते हैं। उनके ऊपर मैंने अपनी इजाजत से छोटा सा कविता सुना देती हूँ क्योंकि वो आज कविता सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए, भोपाल गए नहीं, तो ये मेरा उनको अर्थ है। कविता के शिष्य के संजय, एक था संजय महाभारत के,
जो धृतराष्ट्र के समीप बैठकर भगवान के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र के सभी पहलुओं को वर्णन कराता। और एक है संजय आज के इंदौर विमानतल के, जो भगवान के आशीर्वाद से कोसों माइल दूर से अपने परिवार को भोपाल में देखभाल कराता। हर शनिवार रविवार पर गाड़ी के रथ में सवार भोपाल में घोड़े दौड़ाता, परिवार की जिम्मेदारी से कभी न भागता। ये दो संजय दो युग के, लेकिन कहीं एक जैसा लगता मुझे। ये दो संजय दो युग के, लेकिन कहीं एक जैसा लगता मुझे। एक समय को देखता वर्णन करता बताता, और दूसरा समय में देखता परिवार की जिम्मेदारी निभाता। दोनों ही साक्षी, दोनों ही कर्ता, दोनों ही जिम्मेदार, दोनों ही पराक्रमी। सत्य निष्ठा और प्यार की परिभाषा में जो लिप्त रहकर भी निर्लिप्त, जो हर कठिनाई को प्यार करे हसमुख परोपकारी, यही तो है पराक्रमी। दोनों संजय एक काल के और एक आज के, दोनों ही प्यार से अपना जिम्मेदारी निभाते। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।